किसी बड़े संस्थान की भव्यता लिए यह इमारत वास्तव में अपने उद्घाटन के बाद मधुबनी जिले का GNM ट्रेनिंग स्कूल बनने वाला है, परंतु इसने कोरोना की दूसरी लहर में गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बिहार सरकार प्रारंभ से ही कोरोना वायरस के प्रति सावधानी बरतती रही है, इसके लिए जन जागरूकता एवं वैक्सीनेशन जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना के मरीजों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सदैव सरकार की प्राथमिकता में रहा है, ताकि मरीज स्वस्थ होकर जल्द से जल्द अपने घरों को लौट सकें। इस दिशा में बिहार सरकार द्वारा तेजी से प्रयास किए गए। इस परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन मधुबनी ने भी समय पर कदम उठाया और जिला मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित GNM ट्रेनिंग स्कूल में सारी सुविधाएं प्रदान की गईं। इस जगह कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर को स्थापित किया गया, जिससे जिले के निवासियों को गंभीर माने जाने वाले कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावी तरीके से राहत पहुंचाई जाए। यहां 10 बेड लगाए जाने वाले 20 कमरे और 2 बेड लगाए जाने वाले कुल 54 कमरे मौजूद थे। जरूरत पड़ने पर यहां मरीजों के लिए 300 बेड का इंतजाम किया जा सकता था। 11 अप्रैल 2021 से 18 मई 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि यहां कोविड-19 से गंभीर रूप से पीड़ित 381 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 125 मरीज पूर्णतया स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए। यह लोग सभी कोरोना वॉरियर्स और जिला प्रशासन मधुबनी के सेवा भाव की सराहना करते हैं। मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे था। मेरे पिताजी हैं, नाम विजय ठाकुर, तो रामपट्टी में 1 तारीख को भर्ती हुए। उनको 10 दिनों तक ऑक्सीजन लगा रहा। वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा बहुत अच्छी है और वहाँ के डॉक्टर लोग भी समय समय पर आके देख रेख होता था। इनका ऑक्सीजन लेवल 65 तक था। मैंने हॉस्पिटल रामपट्टी में भर्ती हुआ कोविड सेंटर में। वहाँ डॉक्टरों के प्रयास से मुझे बचाया गया। वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा है, खाना पीना सब मिलता है, नर्स वगैरह सुई वगैरह दवा सब टाइम पर देते हैं। 2 बार 4 बार पल्स देखने आते हैं, सुई वगैरह देते हैं सुबह शाम में दोनों टाइम। बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सामाजिक हितों की सुरक्षा के लिए बिहार सरकार के संकल्प को पूरा करने का यह छोटा सा प्रयास बना है। और GM साहब का भी हम आभारी हैं, जो वहाँ का व्यवस्था उनके देख रेख में अच्छा रहा। उन लोगों के प्रयास से हमें अभी ठीक हूँ। इतने लोग हैं, सभी को हम धन्यवाद देते हैं जो मेरे मैं वहाँ पर से ठीक हो के आई हूँ। राज्य सरकार से हम लोग को गाइडलाइंस मिलते रहे। हम लोगों ने प्रोटोकॉल के हिसाब से सरकार के डायरेक्शन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के डायरेक्शन के हिसाब से काम किया। कोरोना संकट के समय सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में जिला में स्वास्थ्य टीम ने कमर कसी और कोरोना को हराने के अपने प्रण को मूर्त रूप देने की दिशा में काम करते हुए राजनगर प्रखंड में स्थित रामपट्टी DCHC केंद्र को फिर से प्रारंभ किया है। इस बार का संकट बड़ा था, लेकिन टीम का हौसला कहीं अधिक बड़ा, मजबूत और बुलंद। रामपट्टी केंद्र को तेजी से तैयार किया गया। जहां तक सुविधाओं की बात है, 125 ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा उपलब्ध रहते थे। 5 लीटर वाले 69 और 10 लीटर वाले 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध थे। मरीजों को 24 घंटे देखभाल हो सके, इसके लिए 22 MBBS, 7 आयुष चिकित्सक और 68 पैरामेडिकल बेसिक हेल्थ वर्कर और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जैसे लोग हमेशा सेवा में लगे रहे। यहाँ ब्लड टेस्ट के लिए CBC और सेमी ऑटो एनालाइजर जैसे यंत्र भी उपलब्ध थे। किसी जांच की बाहर से आवश्यकता होने पर उसके भुगतान का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग ने उठाया। यहाँ की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए उप समाहर्ता पद के वरीय पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए थे। मरीजों को ससमय दवाइयाँ एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति होती रहे, इसके लिए एक विकसित स्टोर बनाया गया। 10 एम्बुलेंस सदैव सेवा में तत्पर थे। मरीजों को गर्म पानी सुगमता से उपलब्ध हो सके, इसके लिए हॉट वाटर प्यूरिफायर लगवाए गए। मरीज जब चाहें इंटरकॉम पर अपने डॉक्टर या काउंसलर से सलाह ले सकते थे। दिन में 2 बार नियमित रूप से आंतरिक एवं बाहरी परिसर को सैनिटाइज किया जाता था। बायोवेस्ट मैनेजमेंट का उचित निष्पादन किया जाता था। भर्ती होने वाले हर मरीज को स्वयं के इस्तेमाल की आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती थी, जिसे डिग्निटी किट का नाम दिया गया। मरीजों को उत्तम भोजन मिले, इसके लिए बिल्डिंग में ही मेस की व्यवस्था की गई। साथ ही मरीज के अटेंडेंट्स को भी खाने की असुविधा न हो, इसके लिए नजदीक ही सामुदायिक किचन का संचालन प्रारंभ किया गया।
हम स्वास्थ्य टीम और अपने प्रशासनिक सहयोगियों को संचालन हेतु धन्यवाद देते हैं और कामना करते हैं कि रामपट्टी DCHC केंद्र इसी तरीके से समर्पण की भावना के साथ में कार्य करेगा और जिले की जनता को कोरोना संक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेगा। आमजनों के हित में बिहार सरकार द्वारा लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के संकल्प को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन मधुबनी सदैव तत्पर रही है। DCHC रामपट्टी भी इसी कड़ी का एक उदाहरण है। जन जागरूकता और सरकार की कोशिशों से कई जानें बचाई जा सकी, पर भविष्य में चुनौतियां फिर आ सकती हैं। ऐसे में DCHC रामपट्टी हमें डटकर मुकाबला करने का हौसला देती है।